देव, मैं आपकी दोस्त, आपकी वास्तुशास्त्री और आपकी टैरो कार्ड रीडर यशी। चलिए, जो जो अपनी लव प्रॉब्लम से परेशान है, आज मैं उनको गाइडेंस देने आई हूँ। मैं नहीं, ये गाइडेंस है महादेव से। तो चलिए, सावन के महीने में, इस महीने में आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है, हम लोग चेक करते हैं। चलिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नेम, अपने पार्टनर का भी नेम अपने दिमाग में सोच लीजिए। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, तब तक उनका दिमाग में आप नाम रख लीजिए और आपका भी रख लीजिए। तो चलिए, पहला कार्ड आया है सन का। ठीक है, आपके रिलेशन के लिए जो मुझे दिखाई देता है, आपके रिलेशन के लिए जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये दिखता है सन का कार्ड। चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं किसी मेल का इंटरफेरेंस आ सकता है। या तो ये कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है जो आपके रिलेशन में आ सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लड़के की साइड से उसके फादर ब्रदर, या फिर लड़की की साइड से उसके ब्रदर या फादर इंटरफेयर कर सकते हैं, जो कि आपके रिलेशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पर ओवरऑल मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं। वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, उनकी थिंकिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कप्स का कार्ड आया है, फाइनेंशियली आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके करियर में आपको आगे बढ़वाना चाहते हैं, खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को, वो प्रैक्टिकली हर चीज़ में आपको भी सोच के चल रहे हैं, आपको भी एक थॉट में रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पेज ऑफ कप्स दिखाई देता है रिवर्स में, तो मुझे दिखता है कि कई बार मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अनबन हो जाती है, जिसमें मुझे ये लगता है कि एट दैट टाइम आपको थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कामनेस के साथ डील करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आप दोनों ही राजा रानी की तरह रहना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आपको आलस या फिर आपको ना लग्जरी लाइफ के बिना रहने की आदत नहीं है। इस वजह से आपके दोनों के बीच में कई बार डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन इस महीने में ओवरऑल मुझे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने में आपकी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी रहेंगी, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। पर मुझे एक चीज़ में दिक्कत दिखाई दे रही है, वो है आपके माइंड में प्लस किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस। तो आपको सावन के महीने में क्या कर लेना है, एक छोटा सा उपाय, आपको आपके और आपके पार्टनर के लिए सावन में एक अभिषेक करा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन आने वाला है ना, वो आपकी लाइफ से हट जाएगा, दूर हो जाएगा, और जो छोटी छोटी आपके बीच में फ्रस्ट्रेशन, डिस्प्यूट्स, जो अभी लड़ाई झगड़े हैं, वो भी एकदम ठीक हो जाएंगे। चलिए, मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, और दिए गए जो नीचे नंबर हैं उन पे आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको अभिषेक या किसी और चीज़ के बारे में और जानकारी लेनी है, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।